खेरसौन में रूस की फॉल्स फ्लैग हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल ने दावा किया है कि रूस खेरसौन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर हमले की साजिश रच रहा है। क्या क्रीमिया पर हमले के बाद रूस ने अपनी वॉर स्ट्रेटेजी पूरी तरह बदल दी है और क्या पुतिन एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं? जंग के मैदान से जो खबरें आ रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के डैम पर हमला करने की तैयारी कर ली है। इससे यूक्रेन में सैलाब जैसी तबाही मचेगी और लोगों को बिजली नसीब नहीं होगी। यानी रूस ने यूक्रेन में टोटल ब्लैकआउट का प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि इस तरह के हमले के आरोप दोनों ही देश एक दूसरे पर लगा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस डैम में माइंस लगा रहा है और रूस का दावा है कि यूक्रेन रूसी सैनिकों को हटाने के लिए खुद डैम को उड़ाएगा और इल्जाम रूस पर लगाएगा। ये हमले कौन करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दक्षिणी यूक्रेन में बाढ़ आ जाएगी और यूक्रेन का 80% से ज्यादा इलाका पूरी तरह डूब जाएगा। रूसी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि खेरसौन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर रूस हमला कर सकता है। खाकोवका डैम पर हमले से 80 इलाके बाढ़ में डूब सकते हैं। ज़ेलेंस्की की दलील है कि इस हमले के बहाने पुतिन खेरसौन को यूक्रेन से अलग करना चाहते हैं।